हाय स्टूडेंट, GIT की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि फोटोशॉप में पेन टूल का यूज यदि करना हो तो हम पेन टूल का यूज कैसे करें। उससे पहले थोड़ा सा पिछली क्लास में जो हमने आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम इरेजर टूल से लेके चलें, कहाँ से इरेजर, तो सबसे पहले आपको दिखेगा इरेजर। तो इरेजर टूल जब आप लेंगे ना, तो जब आप इरेज करने जाएंगे ऐसे कुछ इरेज होगा। दिख रहा है ना इरेजर, दिख रहा है ना कैसे इरेज हो रहा है। और आप लोग सोच रहे हैं कि ये ब्लैक में क्यों इरेज कर रहा है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कलर किस कलर का है, रेड कलर। किस कलर का है, रेड। और ये भी यदि हमारा बैकग्राउंड कलर दूसरा कोई होता, क्लिक करके इस बार ले लिए कौन सा, कोई अलग कलर। और यहाँ से क्या कर लिए, अब और हम इरेज कर दूसरे कलर का इरेज कर रहे हैं ना, ये आपका क्या है, इरेजर है कि जो कलर लेके आप इरेज करेंगे वही कलर आपका बैकग्राउंड में दिखाई दे। और प्लस जब आप आगे जाएंगे ना, आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, बैकग्राउंड इरेजर। ये इरेजर टूल था और ये बैकग्राउंड इरेजर। तो ये इरेजर का मतलब है किसी फोटो को मिटाना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, फोटो के किसी पार्ट को या किसी हिस्से को मिटाना है तो आप यहाँ से आसानी से मिटा सकते। लेकिन यही यदि आप बैकग्राउंड ही रिमूव करना चाहते, क्या रिमूव करना चाहते हैं, बैकग्राउंड, तो उसके लिए आप कौन सा टूल ले रहे थे, बैकग्राउंड इरेजर। अब जैसे जैसे आप ड्रा करेंगे वैसे वैसे आपका बैकग्राउंड क्या करता जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जहां पे आपको ऐसे चीजें देखें बैकग्राउंड में, तो समझिए वहां पे आपको कोई बैकग्राउंड यानी कि ऐसे व्हाइट और भूरे कलर का अगर जो डॉटेड लाइनें दिखेगी आपको, तो वहां पे कोई आपका बैकग्राउंड। और आप एक ही बार में सारा मिटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपको बताया था मैजिक इरेजर। आप एक बार बस क्लिक कर दीजिए, जहां एक जैसा बैकग्राउंड पाएगा वहां क्या कर देगा, डिलीट। आ रहा है समझ में ना। और चाहते नहीं हमारा इमेज ना कट हो, तो उसके लिए हमने आपको बताया था सिलेक्शन, सेलेक्ट कर लेंगे इतना इरेज करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। जैसे अभी हम यहाँ क्लिक कर सारा इरेज कर ले जा रहा था ना, वो समझने के लिए बस एक हम यहाँ क्या करें, इरेजर ये ले ले रहे, पॉलीगन लूसर टूल। और यहाँ से हम अपने इमेज को क्या कर लिया, सेलेक्ट। ऐसे अपने इमेज को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट। यहीं तक अंदर तक चला जा रहा था ना, अब ऐसे करके हम सारा सेलेक्ट, तो क्या जितना हम सेलेक्ट किए हैं उससे बाहर कहीं कटेगा, वो हो गया ना। अब आप यहाँ से ले लीजिए मैजिक वन, मैजिक इरेजर टूल। और मैजिक इरेजर टूल लेने के बाद क्या कर दीजिए, क्या आपका फोटो कहीं इरेज हुआ है, फिर क्या इरेज हो रहा है आपका, बैग हो जाएगा ना। अब यदि हम इस फोटो को मूव कराएं किसी दूसरे फोटो के ऊपर, तो क्या इसका बैकग्राउंड जाएगा, नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड क्या हो चुका है, डिलीट। और आगे हमने आपको बताया था ग्रेडियंट टूल, यदि आप इसके जगह पे कोई ग्रेडियंट कलर लगाना चाहते हैं कलर लगा लीजिए, हो जाएगा ना। कलर चेंज करने के लिए हमने आपको इफेक्ट बताया था, यहाँ से अलग अलग कलर ले लीजिए। आपको अपनी तरफ से बनाना है इस पर डबल क्लिक करिए, और जो फोटो जो कलर बनाना है चूज कर लीजिए, हो जाएगा ना। इतना तक आपको कर ही ले जा रहे थे। और उसके बाद हमने आपको बताया था इसमें क्या, पेंट बकेट, पेंट भरने के लिए, कहीं आपको पेंट और जो भरना हो, पेंट बकेट टूल लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो पेंट क्या होता जाएगा, भरता है। दिख रहा है सबको, अगर जो चलिए सब कुछ थोड़ा सा हम यहाँ से हटा दें, कंट्रोल अल्ट जेड करके, कंट्रोल अल्ट जेड से क्या होगा, अंडू। और जो सिर्फ कंट्रोल जेड करके क्या होगा, अंडू और रेडू होता रहेगा, याद है ना। अब हम यहाँ से क्या किए, पेंट बकेट लिए और एक बार इसमें लागे क्लिक कर, सारा कलर एक बार में सही कलर हुआ है ना, वो किसके माध्यम से हुआ है। और आगे हमने आपको बताया था ब्लर टूल, इमेज को क्या करना हो, धुंधला करना। अब इमेज आपको बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा हो, हम यहाँ से क्या करते गए, क्लिक करते गए, तो इमेज एक समय ऐसा है वो इमेज हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ को 100 कर दिए। और यहाँ पे इस इमेज को हम ब्लर ब्लर कर, इफेक्ट आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस पे ब्लर का, पता नहीं चल रहा है क्यों नहीं हो रहा है, रीजन बताएंगे आप लोग, क्योंकि सिलेक्शन कहाँ हुआ, बैकग्राउंड हुआ है ना, क्या इमेज पे काम करेगा, नहीं। कंट्रोल डी कर दिए, हमारा सिलेक्शन क्या हो जाएगा, अब थोड़ा करिए तो अब इफेक्ट पता लग रहा है।
धुंधला ना, पहले इमेज कैसे था, बिल्कुल क्लियर, लेकिन अब यदि आप देखें तो आपका इमेज क्या हो चुका है, ब्लर टूल का इस्तेमाल हमने आपको बताया था बैकग्राउंड बनाने के लिए, याद है ना। जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस समय जो है ना, कोई भी अगर जो सोशल मीडिया है तो उसमें बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, अपने फोटो को ट्रेंडिंग में लाने के लिए बैकग्राउंड या तो बिल्कुल येलो कर देते हैं या तो बिल्कुल ग्रीन कर देते हैं, और उस बैकग्राउंड को बिल्कुल क्या कर देते हैं, ब्लर कर देते। तो हमने आपको बैकग्राउंड कलर करने के लिए भी बताया कि आप यहाँ से क्या लेंगे, कलर ले लीजिए, जो कलर आपको रखना है, ग्रीन रखना है तो ग्रीन, रेड रखना है तो रेड, और येलो रखना है तो, और कलर रिप्लेसमेंट टूल लेने के बाद से आपको क्या लेना होगा, कलर रिप्लेसमेंट, और आप उस पर क्या कर देंगे लगा, यही हमने बताया था ना। और उसके बाद ब्लर टूल लेके आप ब्लर कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपका बैकग्राउंड वहां पे दिखने लग जाए। और उसका जब आप आगे आएंगे ब्लर टूल के बाद से आपको दिखेगा स्पंज टूल, इसका वर्क क्या था बताओ जी, स्पंज टूल का वर्क ब्लर तो करेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से ब्लर करेगा, यानी कि डॉटेड डॉटेड लाइनों के जैसा ब्लर करेगा, दिख रहा है फेस पर, फेस के ऊपर देखिए आप लोग कुछ ब्लर जैसा दिख रहा है ना, ब्लर तो करेगा लेकिन किसके जैसा, डॉटेड लाइनों के जैसा ब्लर करेगा, यानी कि वो आपका बिल्कुल स्मूथ ब्लर कर रहा था लेकिन स्मूथ ब्लर नहीं करेगा बल्कि डॉटेड लाइनों के जैसा ये ब्लर करेगा, अंतर दिख रहा है ना। और उसके आगे जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, आप लोग पता होगा ना, कल बताए थे ना जी, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, नीचे वाले का किसी हिस्से को, मतलब कोई अगर जो एरिया है बॉडी का और उस एरिया को हम चारों तरफ फैला देना, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जैसे इसका नाक हमको क्या करना है, बड़ा कर, यही हम लोग किए थे ना, सही इतना बड़ा जी, यदि चाहते नहीं ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ है। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर रहे जाएंगे सभी लोग ना। और उसके बाद जब आगे जाएं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, डॉग फूड, इसका इस्तेमाल हमने कब बताया था कि जब कोई इमेज हो और उसको बिल्कुल क्या करना, आपको गोरा करना, जैसे थोड़ा सा कोई ब्लैक सांप इमेज ले लेते हैं, वही है जी जो इसमें सांवला होगा, दिख रहा है ये ना आपको क्या, बिल्कुल साफ साफ इमेज दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते नहीं इसको थोड़ा सा हम क्या कर सकें, हल्का से इसमें वाइटनेस कर सके, तो टूल्स लेंगे और इसका साइज बढ़ा कैसे कर, इफेक्ट दिख रहा आपको, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, पहले ऐसे ही था इमेज, एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, पहले ऐसे था, और इसका हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट क्या बना लिए, लेयर, और यहाँ से क्या कर लिए, और इसके आई को हम यहाँ से ऑफ कर, अब यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लिए और एक ही बार में सारा हम ब्राइटनेस दे दिए, दिख रहा है इमेज ना। अब पहले आपका इमेज कैसे था, ऐसे था, अब कैसे हुआ। और उसके बाद जब आप जाएंगे ना तो उसके बाद से आपको इसमें दिखेगा कि यदि आप किस इमेज का इसका डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, अब इस लेयर का आप चाहते हैं क्या कि नहीं थोड़ा सा ज्यादा गोरा लग रहा है, क्या करना, थोड़ा सा सांवला, फिर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने से बर्न टूल लीजिए, और बर्न टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा और क्या कर लीजिए सांवला, हो जाएगा इमेज अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा चलिए इसको ऑफ करिए, ये बैकग्राउंड को ऑन कर लीजिए, क्या पहले हमने यही लिया था ना, तो ये इमेज पहले क्या था, बिल्कुल गोरा था, अभी गोरा है ना, हम चाहते नहीं ये बहुत ज्यादा गोरा है, सांवला, इफेक्ट दिख रहा आपको, हो जाएगा। और उसके आगे हमने आपको बताया था इसमें क्या, स्पॉन्ज टूल के बारे में, स्पॉन्ज टूल क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा था,
कि अगर जो ये इमेज हम चाहते हैं कुछ एरिया वो क्या हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो इमेज का, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस टूल का आसानी से इस्तेमाल कर, क्लिक करें वहीं बस फेस वाले एरिया पर। आपको फेस वाला एरिया क्या व्हाइट दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर कलरफुल दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा पता लग रहा है उसमें, मैं देखी हो जाएगा ना। स्पॉन्ज टूल का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किसी फोटो को अगर जो किसी पार्टिकुलर हिस्से को हम ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते थे यहाँ से, हाँ यदि आप थ्रियल बनाना चाहते थे, है ना, बन जाएगा जी। और उसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, पेंट। तो पेंट टूल का इस्तेमाल समझिए कि पेंट टूल का सबसे ज्यादातर इस्तेमाल होता है सिलेक्शन करने, क्या करने के लिए, सेलेक्ट। जैसे कोई जो आप लोग इमेज में ऐसे देखे रहते हैं कि सिलेक्शन क्या हुआ है, कि एक कोई हमारा फोटो मान लेते हैं कि ऐसे हमारा फोटो गया है, आ रहा समझे ना। तो कई जगह ऐसे होता है ना कि ऐसे फोटो ऐसे अंदर आके फिर ऐसे बाहर की तरफ सिलेक्शन करना, आ रहा समझे ना। कई जगह ऐसे होता है ना कि ऐसे बिल्कुल राउंड में अंदर लेके आना होता है, फिर ऐसे राउंड में लेके जाना होता है सिलेक्शन, आ रहा समझे ना। बाकी टूल से आपको ऐसे अच्छे सिलेक्शन नहीं, लेकिन वही आप जब पेन टूल लेंगे ना, तो पेन टूल के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी इमेज को सेलेक्ट कर। जैसे हमने यही इमेज ले ली, अब इस इमेज को क्या करना है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, पेंट, पेंट टूल लेंगे ना, तो आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे फ्री फ्रॉम पेंट, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, और फिर आपको दिखाई देगा कन्वर्ट पॉइंट, ये सारा ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा, दिख रहा है ना। फ्री फ्रॉम के लिए, ऐड के लिए यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट। तो फिलहाल अभी हम पेंट टूल लेते हैं और देखिए यहाँ क्लिक करते जा रहा है, जहां जहां हमको मोड़ना है वहां वहां क्या करते जा रहा है, सेलेक्ट करते जा रहा है। तो आपको अभी एक ऑप्शन दिखाई देगा कि जैसे जैसे हम सिलेक्शन करते जा रहे हैं ना, वैसे नीचे का बैकग्राउंड देखिए कलर होता जा रहा है, दिख रहा है सबको, यानी कि आपका पॉइंट बताता है कि आप यहाँ यहाँ से अपना सिलेक्शन क्या करें लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं दिखाई ना दे तब क्या करें, चाहते हैं ये दिखाई ना दे तो पहले हम इसको सिलेक्शन को कंट्रोल डी से हटा दें, सिलेक्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल एंटर और कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को क्या कर दी, हटा। अब इसी ध्यान दीजिए, हमको यहाँ तक अंडू करना, तो अंडू करने में ज्यादा समय लगेगा ना, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कहाँ जाएंगे, विंडो, और विंडो में जाने के बाद क्या लेना है आपको, हिस्ट्री, क्या लेना है हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारा इमेज का ऐसे था, वो सारा आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाए, तो आप एक ही को सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए डिलीट, तो जहां तक आप सिलेक्शन किए रहेंगे वहां तक आपका सारा क्या होता जाएगा, पॉइंट डिलीट होता जाएगा। या आपको अलग सिलेक्शन करना है कोई दूसरा इमेज ही ले लीजिए, मिनिमाइज करिए और यहाँ से दूसरा कोई इमेज सेलेक्ट कर, और इस इमेज से हमको क्या करना है, कुछ अलग सिलेक्शन करना। तो अभी अगर हम ये सिलेक्शन ले रहे थे पेन टूल, और यदि हम यहाँ से सिलेक्शन कर रहे थे, इसके साथ साथ क्या बनता जा रहा था, अंदर देखिए बैकग्राउंड बनता जा रहा है ना, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, क्या करना है, ये सिलेक्शन नहीं चाहिए, उसके लिए फिर क्या करेंगे, आपको यहीं पे दिखाई देगा एक पॉइंटर का, इसका ऑप्शन दिखाई देगा पाथ का, पाथ पे जाएंगे और आपको अब जैसे सिलेक्शन करना वैसे सिलेक्शन करें, अब कहीं बीच में आने वाला है, आ रहा है अब, यानी कि जो आप पहले वाले पे जाएंगे, पहले वाले क्या दे रहा है, शेप लेयर, क्या दे रहा है, शेप लेयर। तो जब शेप लेयर पे रहेंगे तो आप लोग पता हो, जब हम कोई शेप लेते हैं तो उसके अंदर कोई कलर फिल हुआ आता है ना, तो वैसे यदि हम लेंगे शेप लेयर पे, शेप लेयर पे ऐसे आपको कलर बनता हुआ दिखाई, दिख रहा है ना। लेकिन ये शेप लेयर को यदि हम हटा दें यहाँ से, और हम यहाँ से ले लें पाथ लेयर, और पाथ वाला लेने के बाद आप कितना भी सिलेक्शन करिए आपका वहां पे बैकग्राउंड आने वाला हो जाएगा सिलेक्शन। अब इसे सिलेक्शन करने से क्या बेनिफिट है, तो आप जब जाएंगे ना पहले सेलेक्ट कर लीजिए इसको, आप लोग थोड़ा अच्छे सिलेक्शन करिएगा, मैं तो फास्ट वाला सिलेक्शन कर रहे हैं,
आ रहा समझ में ना? आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि क्योंकि आपको पता होगा कि इमेज जितना अच्छे से आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छे से आपका इमेज बन करके आएगा, पता है ना? सेलेक्ट हो गया है ना, लेकिन हम चाहते ही है ना कि इसमें क्या कर सकें, हम एक पॉइंट ऐड कर सकें। जैसे अभी देखिए फ्री फ्राम, ये अभी बता रहे हैं, अभी हमने कर दिया यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट, तो जहां ऐड करना है आप वहां क्या कर देंगे, यहाँ ऐड करना है। थोड़ा सा जूम कर लो, आपको कहाँ ऐड करना है एंकर पॉइंट, इसके पास में, इस पे क्या कर देंगे क्लिक। तो एंकर पॉइंट का मतलब देखिएगा, आप जैसे क्लिक किए हैं ना, एक एंकर पॉइंट जुड़ गया, आप जैसे सेलेक्शन इसको मोड़ना चाहते हैं ना वैसे मोड़, दिख रहा है इसका सिलेक्शन, दिख रहा है ना? जैसे भी हम बता रहे थे अंदर ऐसे राउंड की तरफ जाएगा, आप वहाँ एंकर पॉइंट ऐड करिए और ऐड करें जितना अंदर ऐसे सिलेक्शन करना वैसे सिलेक्शन कर, और नीचे आपको यहीं पे मिलेगा इसका डिलीट एंकर पॉइंट का, यदि आपको एंकर पॉइंट नहीं चाहिए तो यहाँ से क्या कर लीजिए डिलीट, ये भी नहीं चाहिए डिलीट, दिख रहा है ना? हो जाएगा ना एंकर पॉइंट का, जो डॉटेड लाइनें दिखाई दे, जैसे डॉटेड लाइनें दिखाई दे रहा है ऊपर ना, ये नहीं चाहिए, हम इस पे क्या कर देंगे क्लिक, डिलीट हो गया। लेकिन क्या हो गया, सीधा एक और ऐड करना है तो हम ऐड वाला लेंगे और बीच में ऐड करके इसको घुमा के लेके आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल सीधा यहाँ पे राउंड रोटेट हुआ है ना, हो जाएगा ऐसे सिलेक्शन। अब ऐसे सिलेक्शन करने के बाद अभी ये इमेज आपका सेलेक्ट नहीं है, लेकिन जब चाहते नहीं ये इमेज हमारा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर करना हो, तब आपका इमेज जाके क्या होगा सेलेक्ट। देखिए हम यहाँ से कंट्रोल के साथ क्या कर रहे हैं इंटर, अब इमेज सेलेक्ट हुआ, पहले ऐसे था आपका इमेज, क्या सेलेक्ट था, आपने सिर्फ टूल्स लिया है लेकिन टूल्स सेलेक्ट अभी नहीं, और टूल्स से सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और प्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या है, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटाइए और यहाँ से ले लीजिए प्री फ्रॉम, आप जैसे ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हैं ना वैसे आसानी से सेलेक्ट कर, हो जाएगा, कंट्रोल इंटर कर लीजिए उतना सिलेक्शन हो गया, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो प्री फ्रॉम का मतलब कि आप अपने हिसाब से जैसे घुमा फिरा के इसको सिलेक्शन करना चाहते हैं वैसे घुमा फिरा के सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पेन टूल, फ्री फ्रॉम ये पेन, और इसका ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ये समझ आ रहा है ना, हो जाएगा ना? तो आज आप लोग ये ट्राई कर लीजिएगा, कल आपको बता देंगे कन्वर्ट टू पॉइंट, आ रहा है समझ ना, कन्वर्ट टू पॉइंट बता देंगे और साथ साथ में आपको बता देंगे शेप में यदि सिलेक्शन करना तो शेप में कैसे सिलेक्शन, आ रहा है समझे ना? आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा।